हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल की, यानी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे कंपनी का शेयर प्राइस अभी के टाइम पे जो आपको देखने को मिल रहा है 2453 रुपया। कंटिन्यू और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी सीडीएसएल। अगर आपने यहाँ पे डीमैट अकाउंट यूज करते होंगे तो आपको सीडीएसएल के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से अगर देखें, नंबर ऑफ अकाउंट्स जितना ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, सीडीएसएल को उतना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न के मामले में अगर हम बात करें तो 6 महीने में 34% का रिटर्न दिया है और 1 साल के अंदर अंदर 101% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 1184% का रिटर्न है और मैक्सिमम रिटर्न की अगर हम बात करें तो 830% का रिटर्न देखने को मिलता है सीडीएसएल के अंदर। तो सीडीएसएल एक तरह से मल्टीबैगर स्टॉक यहां पे बनता हुआ नजर आया है और इसी कंपनी का आज यहां पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। और यहां पे सीडीएसएल Q1 क्वार्टर में बड़ा धमाका करने की बिल्कुल तैयारी में है दोस्तों यहां पे, क्योंकि आप देख सकते हैं जहां पे मार्केट पूरी गिरावट देखने को मिल रहा था, सीडीएसएल 0.62% की तेजी के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया था। और यहाँ पे सीडीएसएल की अगर हम Q1 क्वार्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पे अगर आप मार्च क्वार्टर के डेटा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मार्च क्वार्टर में 125 करोड़ का यहाँ पे पिछले साल से मार्च क्वार्टर में मतलब 2023 में 125 करोड़ का सेल्स करती हुई नजर आई और वही यहाँ पे मार्च 2024 में बढ़ के 241 करोड़ हो गया दोस्तों। तो एक बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिला और 55% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 61% होता हुआ नजर आया। 68 करोड़ से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 148 करोड़ हो गया कंपनी का। यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली 63 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 129 करोड़, यहाँ पे प्रॉफिट सीधा डबल होता हुआ नजर आया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से Q4 क्वार्टर में बहुत बड़ा धमाका किया था, तो होपफुली यहाँ पे जून क्वार्टर में भी कंपनी एक बड़ा जंप दिखा सकता है। और यहाँ पे होपफुली अगर हम बात करें तो 250 करोड़ से ऊपर यहाँ पे कंपनी का करोड़ से करीब करीब प्रॉफिट देखने को सेल्स देखने को मिल सकता है। 250 करोड़ के करीब करीब आपको सेल्स देखने को मिल सकता है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है जो 100 करोड़ से ऊपर यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो जून क्वार्टर का एक तरह से जो रिजल्ट्स रह सकता है बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है दोस्तों। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे एक तरह से इस स्टॉक पे सीडीएसएल पे अब कड़ी नजर बना के रख सकते हैं आज की डेट में Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स आने वाला है। दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्या लगता है कि Q1 क्वार्टर के अंदर क्या एक बड़ा धमाका करने वाली है सीडीएसएल या नहीं, क्या यहां से डाउनसाइड जाएगी या अपसाइड जाएगी। तो दोस्तों, यहां पे आप कमेंट सेक्शन में ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा सारी चीजें यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो की पॉइंट्स की अगर आप देखें तो यहाँ पे सीडीएसएल काफी अच्छी कंपनी नजर आ रही है फिलहाल तो, और वन ऑफ द लीडिंग इनके मार्केट शेयर अगर काफी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे और 40.10 रुपया इसका ईपीएस हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजें। और यहाँ पे स्टॉक का पी 61 पे देखने को मिल रहा है फिलहाल। यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये दोनों चीजें काफी शानदार। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 40% का, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 31% का फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी 0.77% की देती हुई नजर आती है दोस्तों। सीडीएसएल बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर डिपोजिटरी अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा, डीमैट अकाउंट आपने ओपन करवाया होगा, तो सीडीएसएल का जरूरत जरूर पड़ा होगा, चाहे वो आप किसी भी ब्रोकर अकाउंट में अपना अकाउंट आप स्टॉक पे ओपन करवाए हो, चाहे यहाँ पे जीरोदा पे ओपन करवाए हो, चाहे एंजल वन हो या कोई और भी हो। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल यहाँ पे अपना एक बड़ा रोल अदा करता हुआ नजर आता है और इस कंपनी के पास जो डेप्ट है मात्र 1.35 करोड़, यानी मतलब डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट कह सकते हैं डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रमोटर यहाँ पे 15% की होल्डिंग रखे हुए हैं इस कंपनी के अंदर और रिजर्व्स कंपनी के पास 1359 करोड़ का देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रमोटर कम है, होल्डिंग जरूर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का ग्रोथ है लेवल है
काफी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे पेट्रोस की स्कोर की भी बात करें तो 7 की रेटिंग है और डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग एक बड़ी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलता है। प्रमोटर के रूप में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर है जो बीएससी लिमिटेड आपको देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे 15% बीएससी लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी रखे हुए हैं इस कंपनी के अंदर। एफआईएस यहाँ पे कंटिन्यू एक तरह से हिस्सेदारी यहाँ पे बरकरार रखे हुए हैं और यहाँ पे डीआईएस है जो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं रिसेंटली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक की भी यहाँ पे बड़ी हिस्सेदारी है दोस्तों, 46.09% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास आपको रिसेंटली है जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे सीडीएसएल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनके नेट कैश फ्लो की अगर बात करो तो रिसेंटली अगर आप देखो 2 सालों से इनका नेट कैश फ्लो निगेटिव में जरूर है, लेकिन निगेटिव में किस वजह से है तो इनकी एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं कि इनकी नेट कैश फ्लो निगेटिव क्यों है दोस्तों, तो उसमें सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट कंपनी का स्ट्रांग नजर आता है, इनके पास रिजर्व बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो डेप्ट है बिल्कुल ना के बराबर है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू आपको देखने को मिलता है और कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज और एसेट्स है वो कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है दोस्तों। तो CDSL एक तरह से कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है जो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देने की क्षमता रखता है और फ्यूचर में इनकी डिमांड भी बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर आप देखोगे इनका जो सेल्स है, आप 2013 में देखोगे तो 91 करोड़ का मात्र सेल्स करती थी और आज के डेट में 812 करोड़ का सेल्स कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 51 करोड़ से बढ़ के सीधा 420 करोड़ होता हुआ नजर आया है और यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का ग्रोथ लेवल है जो कंटिन्यू 3-4 साल में बहुत अच्छा देखने को मिला है और खास करके मार्च 2024 में अगर आप देखें, यानी मार्च फिनेंशियल ईयर FY24 की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे जंप होता हुआ नजर आया है, साथ में मार्जिन भी 60% का देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें कंपनी के तो 10 ईयर्स का 25%, 5 ईयर्स का 33% और 3 ईयर्स का 33% आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये भी काफी शानदार है, 10 ईयर्स का 29%, 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 30% और 3 ईयर्स का 28% देखने को मिलता है। स्टॉक सी प्राइस की स्टॉक्स जो CAGR जो कंपनी की होती है यहाँ पे 5 ईयर्स का 68%, 3 ईयर्स का 23% और 1 ईयर का 102% देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हर एक नजर से अगर आप देखो तो यह स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ का और यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स का 23% रिटर्न दे रहा है, तो काफी शानदार रिटर्न है। 5 ईयर्स में 26% और 3 ईयर्स में 29% का रिटर्न देखने को मिला है। तो CAGR भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है कंपनी का, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है कंपनी का CDSL का। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा लाइक बटन पे क्लिक करके और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चले दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। लेकिन इसका जो CDSL का आने वाला जो टारगेट होगा बहुत जल्द आपको 3,000 रुपया क्रॉस करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।